ब्रेकिंग न्यूज ईरान से है। पता चला है कि ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं। मतलब ये कि अमेरिका की तरफ से जंग की पूरी तैयारी कर ली गई थी। ऐसा तब हुआ था जब सऊदी अरब ने ईरान से जुड़ी जानकारी अमेरिका को दी थी। सऊदी अरब की तरफ से बताया गया था कि ईरान एक बड़ा हमला सऊदी अरब और इराक पर करने वाला है। मतलब ये कि ईरान के हमले का अलर्ट मिलते ही अमेरिका ने बड़ा एक्शन ले लिया था। ईरान की तरफ अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट भेजे जाने की खबर है और ये पता चला है कि ईरान को कड़ा जवाब देने के लिए अमेरिका की वायुसेना अपना मिशन शुरू कर चुकी थी। अमेरिका की वायुसेना को ईरान की तरफ से हमला शुरू करने का इंतजार था और जैसे ही कोई हमला ईरान की तरफ से किया जाता तो ईरान पर भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जाती। अमेरिकी वायुसेना के खतरनाक फाइटर जेट ईरान की तरफ पहुंच रहे थे। माना जा रहा है कि अमेरिका के फाइटर जेट खाड़ी देशों में ही किसी बेस से निकले। सऊदी अरब और इराक के अलावा भी कुछ खाड़ी देशों में अमेरिकी वायुसेना के बेस मौजूद हैं। खबर है कि इन जगहों पर अमेरिकी वायुसेना के F-22 जेट तैनात हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से F-22 ही ईरान की तरफ भेजे गए थे। ये एक ऐसा कदम था जो सीधा सीधा जंग शुरू होने की वजह बन सकता था। अमेरिकी फौज का ये एक्शन जितना ताबड़तोड़ हुआ उतना ही दमदार भी था। अगर ईरान की तरफ से कोई भी ड्रोन या मिसाइल से हमला होता तो ईरान पर भी आफत बरसनी तय थी। अमेरिका के F-22 फाइटर जेट अपने साथ खतरनाक मिसाइलें और परमाणु बम तक ले जाने में सक्षम है। यानी अगर एक भी गलती ईरान की तरफ से होती तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती। हालांकि जंग का खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि अमेरिकी फौज अब भी पूरी तरह सतर्क है और ईरान पर नजरें गड़ाए बैठी है। खबर है कि जैसे ही सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को अलर्ट भेजा गया था उसके बाद से ही अमेरिकी फौज सतर्क है। पिछले 6 दिन से इराक और सऊदी अरब में दहशत का माहौल है। माना जा रहा है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइलें कभी भी कहर बनकर गिर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद अमेरिका ने दोनों मुल्कों को सुरक्षा का भरोसा दिया था। ये कहा था कि ईरान ने अगर कुछ भी ऐसा किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब पता चला है कि बाइडेन ने केवल भरोसा नहीं दिया था बल्कि जंग की तैयारी भी कर ली गई थी। पिछले 3 दिनों में तो ईरान की तरफ से कोई वार नहीं हुआ लेकिन हमले की आशंका जरूर बनी हुई है। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने बड़ी संख्या में खतरनाक मिसाइलें सऊदी अरब भेजने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी में जुट गए हैं। मतलब ये कि अगर जंग छिड़ी तो बहुत बड़ी तबाही होगी। ईरान और अमेरिका हमले की कोई भी वजह गिनाए लेकिन इसकी जड़ में रूस और यूक्रेन की जंग को ही माना जा रहा है। दावा यह है कि अमेरिका इस वक्त रूस के दोस्तों पर दबाव बनाना चाहता है। इसीलिए जब से ईरान के ड्रोन रूस की फौज के हाथों में पहुंचने की खबर आई है बाइडेन का पारा चढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान भी अब खुलकर बोल रहा है कि उसने रूस की फौज को अपने आत्मघाती ड्रोन दिए हैं। पुतिन भी ईरान का बचाव करने से पीछे नहीं हट रहे। माना जा रहा है कि ईरान और रूस की दोस्ती अमेरिका के गले नहीं उतर रही है। यही वजह है कि वो ईरान की तरफ से गलती होने का इंतजार कर रहा है। अगर ईरान ने सऊदी अरब या इराक पर कोई भी हमला किया तो अमेरिका एक बड़ी जंग छेड़ देगा।